हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं व्रत स्पेशल पापड़, वो भी आलू से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पापड़। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक थाली आलू लिया है। उबला हुआ आलू मैंने छिलका निकाल दिया है आलू का, साइड कर देते हैं आलू को। और एक बड़ी सी थाली रख लेंगे। आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया है, तो छोटे वाले छेद की तरफ से हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। सारे आलू को हमें इसी तरह कद्दूकस कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सारे आलू हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम डाल देते हैं इसमें सेंधा नमक। अगर आप व्रत में खाते हैं सेंधा नमक तो डाल दीजिएगा, नहीं तो बिना नमक के भी आप बना सकते हैं। और एक चम्मच हरी मिर्च, अगर आप व्रत में खाते हैं तो डाल दीजिएगा हरी मिर्च। अब मैं डाल देती हूँ हरे धनिया की पत्ती और एक चम्मच का तिहाई काली मिर्च का पाउडर। तो अगर आप जीरा खाते हो व्रत में तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल प्रेस करके आल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। धनिया, हरा धनिया और हरा मिर्च, नमक अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अब हमें लोइयां बना के तैयार कर लेना है सारे आलू से। तो हाथ में रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे और चम्मच से ही निकालेंगे ताकि हाथ में ज़्यादा ना चिपके। तो इतना बड़ा पेड़ा हम बना लेते हैं, इसी तरह सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे आलू से पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे, तब उसके बाद हम बनाएंगे पापड़। तो यहाँ पे सारे पेड़े बना के हमने तैयार कर लिया है। अब हम बनाते हैं पापड़। तो हमने प्लास्टिक की सीट नीचे बिछाई हुई है। आज हम पापड़ को धूप में नहीं पंखे की हवा में बनाने वाले हैं। तो चकले पे मैंने रख लिया है इस तरह की प्लास्टिक की सीट, उस पर रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ और एक लोई उठा के रखती हूँ। और उसके बाद ऊपर से एक पॉलीथीन रख देना है, तो मैंने रख दिया। अब हमें एक प्लेट या तो कोई भगोने का ढक्कन लेना है। तो मैंने इस तरह का भगोने का ढक्कन लिया है जिसका तला बराबर हो। थोड़ा हाथ में ताकत लगा के हमें दबा देना है। तो इतना सा हो गया है, एक बार और मैं दबा देती हूँ ताकि और पतला हो जाए और बड़ा सा हो जाए। तो ये पापड़ ट्रिक के साथ बनने वाला है। तो जो किनारों किनारों में फटा फटा दिख रहा है ना, तो इस ढक्कन से हम इसे गोल शेप देंगे। तो इस तरह से रखेंगे ढक्कन को और दबा देंगे तो बिल्कुल गोल शेप में पापड़ बन जाएगा, ये देखिए। अब हम प्लास्टिक की सीट को हटाएंगे। प्लास्टिक की सीट को हटाने के बाद जो किनारों किनारों में स्टफिंग है आलू की, उसे हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना गोल गोल हमारा पापड़ बनके तैयार है। और ये थोड़ा थोड़ा निकलेगा, इसे रखते जाएंगे। अब हम इस तरह से प्लास्टिक की सीट के ऊपर पापड़ को डाल देंगे। मैं एक पापड़ और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो एक लोई रखेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे ऊपर से और प्लास्टिक की सीट ऊपर से फिर रखेंगे और भगोने के ढक्कन से हम दबा देंगे। थोड़ा ताकत लगा के दबाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा सा पापड़ बना। और टेढ़ा मेढ़ा जो है उसे हम गोल शेप दे देते हैं। आप भी इस तरह ज़रूर कीजिएगा, आपके पड़ोसी भी बोलेंगे ना कितने गोल गोल पापड़ कैसे बनाए आप। प्लास्टिक की सीट हटाएंगे और जो किनारों किनारों में है उसे हटा के डाल देंगे। इसी तरह हम सारे पापड़ बना लेंगे। तो यहाँ पे सारे पापड़ हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम सूखने देते हैं अच्छी तरह से। सूखने के बाद हम तलेंगे। तो यहाँ पे पापड़ हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं और बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं। बिल्कुल गोल शेप में पापड़ हमारे बने हैं। थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हुए हैं लेकिन टूटे फूटे नहीं हैं। तो चलिए पापड़ को तल लेते हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने रिफाइंड ऑयल गरम किया है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप घी से भी तल सकते हैं। तो मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। तो ये देखिए कितना बड़ा सा पापड़ हो गया है और कितना जल्दी से फूल गया है। तो मैं एक पापड़ और आपको दिखाती हूँ तल के।
ये देखिए। इसी तरह हमें सारे पापड़ तल लेना है। तो यहाँ हमने सारे पापड़ को तल के तैयार कर लिया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रंची और कितने मुलायम पापड़ हमारे बने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी में। बाय बाय।